असलामिकुम स्टूडेंट्स, हमने देखा डिस्प्ले स्क्रीन्स क्या होती हैं और हमने उसकी डेफिनेशन को भी देखा कि डिस्प्ले स्क्रीन्स हमारे पास हमारी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आज हम टाइप्स देखेंगे कि हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन्स कितनी टाइप्स की होती हैं और वो क्या होती हैं। बेसिकली हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन्स की दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होती है CRT डिस्प्ले स्क्रीन्स और दूसरी हमारे पास होती है फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन्स। तो सबसे पहले हम CRT डिस्प्ले स्क्रीन्स को देखते हैं वो क्या होती हैं। CRT डिस्प्ले स्क्रीन्स हमारे पास ऐसे मॉनिटर्स होते हैं जो आपके टेलीविजन की तरह नज़र आते हैं, जिस तरह से आपके पास होते हैं। जो हमारे पास एक ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, इनका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता था और इसके अंदर हमारे पास इसी बॉटम के ऊपर एक CRT कैथोड रे ट्यूब होती थी। ये ट्यूब क्या करती थी, ये ट्यूब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की बीम को फायर करती थी और वो इलेक्ट्रॉन्स जब स्क्रीन के ऊपर फायर किए जाते थे तो आपकी जो इमेज है वो प्रोड्यूस होती थी। अगर आपके पास मोनोक्रोम मीटर होता तो आपके पास इस CRT मॉनिटर के अंदर एक गन इस्तेमाल होती थी, वो गन एक सिंगल कलर, जिस कलर का वो मॉनिटर है, अगर रेड कलर का मॉनिटर है तो वो जो गन है वो रेड कलर के पार्टिकल्स को फायर करती थी, अगर आपके पास वो ग्रीन कलर का है तो वो ग्रीन कलर्स के कलर को प्रोड्यूस करती थी। लेकिन अगर आपके पास CRT मॉनिटर कलर मॉनिटर है तो उसके अंदर आपके पास तीन कलर्स की गन मौजूद होती थी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, यानी कि तीन गन्स उस CRT मॉनिटर के अंदर मौजूद होती थी। ये क्या करती हैं, ये तीनों गन्स बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फायर करती हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर, इलेक्ट्रॉन्स तीन तरह के होते थे, रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर। इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से फायर किए जाते थे कि इनके कम्बिनेशन से वो कलर प्रोड्यूस होता है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चाहिए। ये तीनों आपस में कम्बिनेशन के साथ 256 कलर्स प्रोड्यूस करते थे, यानी कि आपके पास CRT मॉनिटर्स की जो मैक्सिमम कलर्स वो प्रोवाइड करती थी वो थे 256। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की बीम फायर होती थी स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर आपके पास क्या होता था, आपकी जो इमेज है, आपकी जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो डिस्प्ले होते थे। सेकेंड हमारे पास जो टाइप है वो है फ्लैट पैनल डिस्प्ले, फ्लैट पैनल स्क्रीन्स, जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं। आजकल आप लोग देखेंगे कि बहुत कम लोग मॉनिटर्स या टेलीविजन को इस्तेमाल करते हैं। आजकल हम क्या करते हैं, हम एक डिफरेंट टाइप की डिस्प्ले स्क्रीन्स को इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम LCD के नाम से जानते हैं। तो ये तमाम जो LCDs की टाइप्स के शेप्स नज़र आती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं। एक तो इनका साइज़ CRT मॉनिटर की निस्बत बहुत कम होता है और इनका वेट भी कम होता है, और दूसरी इनके जो रिजल्ट्स हैं, इसकी जो इमेज की क्वालिटी है वो भी CRT की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। क्यों बेहतर होती है, क्योंकि एक तो ये हमें बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और सेकंड ये बहुत ज़्यादा कलर्स कम्बिनेशन भी हमें डिस्प्ले करवाते हैं। अब हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अंदर बहुत सारी टाइप्स होती हैं हमारे पास। देखने में इनकी शेप तो सेम होती है, मिलती जुलती है, लेकिन इनकी जो टेक्नोलॉजी इनके अंदर इस्तेमाल की जाती है वो डिफरेंट होती है। तीन तरह की टेक्नोलॉजी को आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन पे है मेरे पास LCD, सेकंड में हम डिस्कस करेंगे ELD और थर्ड में हम डिस्कस करेंगे गैस प्लाज्मा डिस्प्ले स्क्रीन्स। तो सबसे पहले देखते हैं LCD क्या होती है। LCD बेसिकली आपको कुछ इस तरह से आपको दिखाई देती है। LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें आपके पास एक लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लिक्विड कहते हैं। आपकी स्क्रीन के अंदर, आपकी LCD के अंदर ग्लास के अंदर दो ग्लास लिए जाते हैं, उन दोनों ग्लासेस के अंदर आपके पास लिक्विड क्रिस्टल को फिल कर दिया जाता है और जब इसे LCD को ऑन किया जाता है तो इस लिक्विड क्रिस्टल के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में इस तरह से एक दूसरे को अरेंज करते हैं कि आपकी जो स्क्रीन के ऊपर जो भी आपका डिज़ायर्ड इमेज है, आपके रिजल्ट्स हैं, वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते हैं। सेकेंड हमारे पास टाइप है ELD। ELD स्टैंड फॉर
इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले। इन डिस्प्ले स्क्रीन में क्या होता है, सेम टू सेम जिस तरह एलसीडी के हमारे पास दो ग्लास से, दो ग्लास के अंदर हमारे पास जो लिक्विड क्रिस्टल फिल किया जाता है, सेम इसी तरीके से इसमें भी दो ग्लास के दरमियान एक खास किस्म का लिक्विड, एक खास किस्म का सब्सटेंस को फिल कर दिया जाता है। ये सब्सटेंस जब हम इसे इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं तो ये क्या करता है, ग्लो करता है, और इस ग्लो करने से क्या होता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर इमेज प्रोड्यूस होता है। इसके बाद ईएलडी के बाद हमारे पास जो थर्ड टेक्नोलॉजी यूज होती है वो है हमारे पास गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। इसमें क्या होता है, इसमें हम सब्सटेंस यूज नहीं करते, जबकि हम ग्लास के दरमियान एक खास किस्म की गैस, इसे हम नियोन गैस कहते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिकल बल्ब के अंदर भी हम यूज़ करते हैं, वही गैस हम इस स्क्रीन के अंदर यूज़ करते हैं। जब हम इसे इलेक्ट्रिकल चार्ज देते हैं तो ये गैस क्या करती है, ये ग्लो करती है, और आपकी जो डिज़ायर्ड इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर आप क्या होता है, डिस्प्ले होता है। और ये हमारे पास जो है ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और इस तरह की जो LCDs होती हैं जो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाई गई होती हैं वो थोड़ी महंगी होती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की इमेजेस को प्रोड्यूस करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।